लोग मेरे चैनल संतोष कुशवाहा ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आया हूं दोस्तों जंगल, आप देख सकते हैं यहां पे नदी है, नदी के पास मैं खड़ा हूं दोस्तों। तभी हम जाएंगे जंगल के अंदर दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं बिना कुछ देरी के दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं जंगल में, अभी आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये अगल बगल दोनों गन्ना का खेत है दोस्तों, आगे नदी है जो मैं भौरिया माई की वाले वीडियो में आपको दिखाया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ जाने के बाद एक नदी आएगी दोस्तों, ये नदी आपको पार करके फिर जंगल में जाना है दोस्तों। ये जंगल वहाँ नेपाल तक सटा हुआ है दोस्तों, ये जंगल सीधा नेपाल मतलब नेपाल के बाद भी है, नेपाल तक कनेक्टेड है जंगल। देख सकते हैं ये पानी पूरा लगा हुआ है, यहाँ से आपको जाने के लिए यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये पूरा गन्ने का खेत है, यहाँ से दोस्तों ये देखो ऐसे जाना है। यहाँ से थोड़ा रोड खराब है इसीलिए बाइक लेके नहीं जा रहे हैं दोस्तों, तो दिखाते हैं। देखो दोस्तों इधर पूरा शांति रहता है, पूरा अच्छा, कितना अच्छा व्यू है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये पानी पार करके आपको जाना है उस बगल। ये देखो दोस्तों पूरा साफ पानी है, तो दोस्तों कितना साफ पानी है, ये पूरा ठंड के टाइम पूरा साफ रहता है दोस्तों, बारिश के समय तो गंदा हो जाता है। इस टाइम आपको पूरा नीचे का जमीन दिखेगा, इधर से ही पानी आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नदी का पानी थोड़ा इधर उधर होके फिर इधर से आता है। इस नदी के उस साइड भी खेत है जिनका है वो गन्ना बोए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये भी नदी भी दोस्तों नेपाल से होके आती है दोस्तों, नेपाल बॉर्डर से पूरा होके फिर ये जाके गंडक नदी में मिल जाती है आगे, ये यूपी बिहार के बॉर्डर पे है नदी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।